जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने दिखाया कि हम कैची धाम घूम चुके हैं चारों ओर और बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, तो अब हम कैची धाम से चलते हैं नैनीताल, जो कि 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और नैनीताल की खूबसूरत नैनी झील जो है देखने में एक अलग ही मनोहर मतलब वो दृश्य दिखाता है। तो आइए चलते हैं। पहाड़ों से बादल उठ रहे हैं और ये जो पहाड़ पर पेड़ लगे हुए हैं एक लाइन से, ये एक अलग ही व्यूज दे रहा है यहाँ से बस से। हम लोगों ने कैची धाम से नैनीताल के लिए उत्तराखंड रोडवेज ले लिया है, जो कि बहुत ही कम प्राइस रहता है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हम स्टूडेंट्स के लिए। चारों ओर जो है बादलों का एक अलग ही मतलब एक तरह से बोल सकते हो सराउंडिंग, ऊपर वाला जो है पोर्शन जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं और हमारे नीचे आसपास चारों बगल एक तरह से बोल सकते हो चारों ओर बादल ही बादल हैं और पेड़ तो इतने की पूछो ही मत। पहाड़ों का जो वो बैंड है मतलब जिसको तीखा मोड़ बोल सकते हो, क्या एक कमाल का, उस वक्त तो और बेहतर फोटो आता है क्योंकि ज़्यादा रोड का व्यूज दिखता है। नैनीताल जो है इसका सबसे बड़ा जो एक तरह से बोल सकते हो सबसे ऊंची चोटी है वो नैना पीक है, जिसका 2615 मीटर ऊंचाई है। इसके अलावा जो इसका ज्योग्राफी है थोड़ा वो करोल ग्रुप ऑफ रॉक्स है और इसमें स्लेट्स, माल, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, डोलोमाइट्स, ये सब पत्थर हैं पाया जाता है। बलुआ पत्थर जो कि ऊपर जो है बैगनी हरे रंग का है और मैले महीन दाने वाला जो है सिलस्टोन और बलुआ पत्थर जो है बहुत यहाँ पाया जाता है। तो अब हमें दिखना शुरू हो चुका है बादल और हम बादलों में एक तरह से लिटरली पूरा बस डूब जाएगा और बहुत बार तो ऐसा आएगा जैसे कि ऐसा आ रहा है जैसे कि बस वाले को कुछ दिख ही नहीं रहा है और वो धीरे बस चला रहा है। तो भैया अब हो चुका है बादल शुरू और अब जो नज़ारा है लोगों में एकदम उत्साह आ गया है बस में, तो हम रास्ते का मज़ा लेते हैं और बादल का भी। बादल के साथ साथ जो पहाड़ के साइड में जो दिख रहा है चट्टान, क्या ही सुंदर दृश्य दिख रहा है, मस्त पहाड़ काट के बनाया गया है रोड। आइए चलते हैं रोड देखते हैं। चूँकि हम बैठे हैं बस में तो ऊपर का हाइट पता नहीं चलता है कैमरा में, लेकिन ऊपर तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है और हम बस के दूसरे साइड बैठे हैं, लेकिन अगर अपोजिट साइड लेफ्ट साइड रहते तो ज़्यादा ही बढ़िया हमें व्यूज दिखता, बट कोई ना, जिधर हमें सीट मिला है उधर ही हम अच्छे से शूट कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए। और एक चीज़ इन रोडों की खूबसूरती है कि जिस तरह धर्मशाला में बहुत ज़्यादा पेड़ थे, सेम इसी तरह का पेड़ जो है चारों ओर नैनीताल वाले रास्ते पे भी है और ग्रीनरी रोड के साथ कंबाइन करके ना इतना अच्छा व्यूज देता है कि लगता है कि मानो जैसे कि खिड़की के बाहर से ही देखते रहे हमेशा के लिए। वो पहाड़ वो बताने आया आगे अगर कंपेयर किया जाए एरोप्लेन वाले बादल को और ये नैनीताल वाले बादल को, तो हम प्रीफर करेंगे नैनीताल का बादल। एकदम बस जो है इसके बीच से घुस रहा है, एरोप्लेन में तो तुम्हें खिड़की खोलने का कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, यहाँ पे खिड़की खुला और एकदम फील कर सकते हो जो बादल का झोंका आता है ना, क्या ठंडा फेस पे ठंडक पहुँचाते हुए आगे निकल जाती है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप लोग बादल देखिए और रास्ते का इंजॉय कीजिए। रास्ते ज़्यादा खूबसूरत हैं नैनीताल के और पहाड़ों के रास्ते हो तो और क्या ही कहना। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बस वाले एकदम चलाए जा रहे कंटिन्यूसली और हमें जल्दी ही पहुंचा देंगे नैनीताल। असली बादलों वाला जो रास्ता अब आया और लोगों में एक्साइटमेंट इतना आ गया कि सब चिल्ला रहे हैं और मेरे सामने जस्ट जो लड़का वो वीडियो बना रहा है और बार बार कैमरा में भी आ रहा है। तो कोई नहीं, हम रास्ते का मजा लेते हैं, तो चलते हैं नैनीताल की ओर। ये जो साइड में पहाड़ों के ऊपर घास और पेड़ लगे हुए हैं यही एक तरह से इसके चट्टानों को मजबूती से पकड़ के रखता है और जब कभी भी वो एक तरह से लैंडस्लाइड से भी बचाता है, तो इसलिए पेड़ का रहना पहाड़ों पर बहुत ज़रूरी। सामने वाला ओवर एक्साइटेड होके अपने किसी रिलेटिव्स को कॉल कर दिया है और उसको वीडियो कॉल पे दिखा रहा है। ये भी एक घूमने का अलग ही है कि
तुम घूमने आए और अपने फैमिली सबको भी दिखा रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है। लोगों को वैसे आना चाहिए फैमिली को भी लेके। तो चलिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नैनीताल की ओर। बादल इतना ज़्यादा है कि लोग अपने गाड़ी का हेडलाइट्स चला के चल रहे हैं दिन में, जबकि ये हमारा लग रहा है 10 से 11 का टाइम है अभी। देख कर तो नज़ारा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई मतलब नाटक का मंचन हो रहा है और लोग सब जो है चारों ओर मतलब उसको देख रहे हैं। और नाटक मंचन पे जो है बादल जो है, जैसे बहुत बार हम लोग आर्टिफिशियली वो धुआं करते हैं ना, उस टाइप का जो है नीचे से एक तरह से बादल उठ रहा है। काफ़ी कमाल दृश्य है और हम फोटो भी क्लिक कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। बादलों का वीडियो शूट करने में हमारे कैमरा के लेंस के ऊपर भी पानी आ जा रहा है, बट कोई नहीं, फिर भी हम कैमरा एकदम खिड़की के थोड़ा अंदर रख के हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और क्या ही नज़ारा है, इवन हम बहुत बार तो कैमरा के स्क्रीन पे देखते भी नहीं है, बस हम वीडियो एक पाउज में लगा के लाइक कैमरा स्थिर रख के उसको हम शूट कर रहे हैं। और हम बाहर का नज़ारा जो आँखों से देखा जा रहा है, क्या ही कमाल का। चुके हैं नैनीताल लेक और देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। एक और बादल है, थोड़ा बहुत ग्रीनरी दिख रहा है और दोनों का देखिए कि ये कंट्रास्ट, एक लग रहा है ब्लैक एंड एक कलर, तो वो जो ब्लैक एंड वाइट वाला कॉम्बिनेशन है, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर वाला, दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन मिल रहा है। दिखना मुश्किल हो गया एक साइड तो पार, और इसके बाद लेकिन एक चीज़ बुरा लग रहा है कि बहुत सारा कचरा जो है बारिश के पानी में बाके इसमें आ गया है, लेकिन मछली देखिए कितना ज़्यादा है। तुरंत ही बादल चारों ओर से आके जैसे चलते हुए लगेगा और छूते हुए गुजर रही है, और मतलब बादल आ रही है, ढक रही है पहाड़ को और फिर से हट जा रही है, फिर बारिश होए जा रहा है। लगातार बारिश थोड़ा स्लो होता है फिर ज़्यादा होता है, लेकिन लोग जो है बोटिंग भी कर रहे हैं, लोग बोटिंग करने से मान नहीं रहे हैं और उनके पास बरसाती है, छाता भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारा नैनीताल लेक। ऐसा बोलता है कि नैनीताल वाले एरिया में जो है टोटल 60 लेक है, और यहाँ पे जो है रॉक्स जो है इस एरिया का बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। जो टाउन एक तरह से बोल सकते हो बसा हुआ है, वो नैनीताल लेक के ही चारों ओर बसा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इसका फॉल्टेड रॉक्स है, और फॉल्टेड रॉक्स है, न्यू रॉक्स है एक तरह से बोल सकते हो, तो लैंडस्लाइड होने का भी बहुत बार खतरा रहता है। और नैनीताल लेक जो है आई शेप में है, आँख के शेप में, और एक कोने पे जो है नैनी मंदिर भी है एक, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देखिए। तो ये था हमारा नैनीताल लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और टूरिस्ट अधिकतर जो यहीं आते हैं, हमारा भी पर्पस यहीं था आने का। वीरेंद्र को हमने ये दिखा दिया लेक, और हम लोग बोटिंग करेंगे शाम में जब ये बादल पूरा छट जाएगा, और फिर हम अगली वीडियो में आपको बोटिंग वाला भी वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए आपको कैसा लगा हमें बताएँ, और यहाँ पर जो है बर्ड्स भी बहुत खूबसूरत बर्ड्स है पहाड़ी वाली, और अभी दूसरे का वोटिंग देखिए, अगली वीडियो में हम अपना वोटिंग डालेंगे, ये वोटिंग वाला वीडियो डालेंगे। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो आप दूसरे को शेयर भी कीजिए, और कुछ कमी लग रहा है जैसे कि कुछ इसमें सुधार हो सकता है तो हम आगे से कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है बिकॉज बहुत बार एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। तो तब तक के लिए इतना ही, नैनीताल की यात्रा जारी रहेगी। तो